नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन चौरसिया आपका अपने चैनल धीरेन चौरसिया द नॉलेजबल वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बंगाल की खाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों। यह हिंद महासागर का ही एक भाग है। पांच महासागर में से हिंद महासागर, जैसा कि आप जानते हैं, हिंद महासागर है। यह हिंद महासागर का पूर्वी भाग है दोस्तों। इसमें कई देश आते हैं, जैसे भारत हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका आदि। यह एक त्रिभुजाकार खाड़ी है दोस्तों। यदि हम इसके शेप को देखेंगे तो ये त्रिभुज के आकार की दिखेगी। इसके पश्चिम भाग में अधिकांश भाग जो है वो भारत देश में स्थित है और शेष में इसका श्रीलंका स्थित है। इसके यदि क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका कुल क्षेत्रफल 21,72,000 वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसको महोदधि के नाम से जाना जाता है। गंगा इसमें मिलने वाले सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसके अलावा हुगली, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, जमुना, मेघना आदि नदियाँ इसमें आकर संगम करती हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मोंगला, पारादीप एवं चीन के यांगनांग इसमें स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी जो है वो इसमें कई तरह के द्वीप समूह एवं द्वीप भी स्थित हैं दोस्तों। इसमें भारत का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो मेन है। इसके अलावा मेरवाई द्वीप भी इसमें बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी की यदि औसत गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई 8,500 फीट और अधिकतम गहराई 15,400 फीट है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित उत्तर सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है दोस्तों। यह सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में मैंग्रोव के घने जंगल हैं, जो कि विश्व में सबसे बड़े एक खंडी ज्वारी हेलोपैटिक मैंग्रोव वन हैं दोस्तों। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं दृश्य, ये रामेश्वरम में धनुषकोड़ी का दृश्य है दोस्तों। रामेश्वरम जो है वो भी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है दोस्तों। रामेश्वरम में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। हिंद महासागर का ही एक भाग है ये बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। यहाँ पर रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, और ये भारत की अंतिम भूमि भी है। भारत में रामेश्वरम तथा कन्याकुमारी सागर तट पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त एक ही स्थान से आप देख सकते हैं दोस्तों। बांग्लादेश का कुआकाटा बंगाल की खाड़ी का एक ऐसा ही सागर तट है, जहाँ पर आप रामेश्वरम और कन्याकुमारी की तरह सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी एक क्षारीय जल का सागर है दोस्तों, तथा हिंद महासागर का ही एक भाग है ये। बंगाल की खाड़ी की यदि जैव विविधता के बारे में बात करें तो जैव विविधता से परिपूर्ण है। प्रवाल भित्ति, ज्वार, नदमुख, मत्स्य पालन, मत्स्य अंडन पालन एवं मैंग्रोव आदि इसके मुख्य भाग हैं दोस्तों। एक शंख सेल ग्लोरी ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं, बंगाल की शोभा भी इसे बोला जाता है। ये बंगाल की खाड़ी के तटों पर बहुत आयत पाया जाता है दोस्तों, और यह देखने में बहुत ही सुंदर होता है शंख। इसके अलावा ओलिव रिडले नामक विलुप्त प्राय कछुआ है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है दोस्तों। कैरेलिया जॉर्डोनियाई बंगाल की खाड़ी का एक विशेष समुद्री सांप है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में डॉल्फिन की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं दोस्तों। डॉल्फिन के लिए भी बंगाल की खाड़ी काफ़ी फेमस है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में खारे पानी के मगर भी पाए जाते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी मगरों से भी पूरी तरह से पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर जो है वो भी इसमें पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में कई प्रकार के रत्न पाए जाते हैं दोस्तों। फिरोजा, माणिक, नीलम, पुखराज, अमेथिस्ट एवं पाए जाने वाले प्रमुख रत्न हैं। सामरिक दृष्टि से बंगाल की खाड़ी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं दोस्तों।
धनुषकोड़ी में पंबन द्वीप स्थित हिंदू धर्म के चार धर्मों में एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उड़ीसा का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी बंगाल की खाड़ी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के हिंद महासागर तथा अरब सागर के त्रिवेणी संगम पर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों, प्राचीन बौद्ध धरोहर स्थल पर्वतलाकोंडा, थोतलाकोंडा एवं बालीकोंडा भी बंगाल की खाड़ी के ही तट पर स्थित हैं। श्री वैशाखेश्वर मंदिर के अवशेष जो हैं वह बंगाल की खाड़ी के नीचे हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख टन मछलियां जो हैं वो मछुआरों द्वारा पकड़ी जाती हैं। दोस्तों, विश्व के कुल मछुआरों का लगभग 30% जो है वो बंगाल की खाड़ी से ही मछुआरे निकालते हैं। बंगाल की खाड़ी जो है वो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं। भारत के कई महत्वपूर्ण बंदरगाह कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं। दोस्तों, इसके अलावा वर्ल्ड फेमस मालाबार जो युद्धाभ्यास है 2007 में हुआ था, इसमें संयुक्त राज्य, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया से सामरिक जलपोत आए हुए थे और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। दोस्तों, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भंडार। अंग्रेजों द्वारा बनवाई विश्व प्रसिद्ध सेलुलर जेल सन 1886 में बनवाई गई थी, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की ये राजधानी है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसे काला पानी भी बोलते थे। काला पानी में जब अंग्रेज किसी स्वतंत्र संग्राम को आजीवन कैद की सज़ा देते थे तो यहीं पर रखते थे, बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का अपने विस्तार भी यहीं से किया था। उत्तरी सरकार वंश ने बंगाल की खाड़ी में पश्चिम में जो है वो अपना आधिपत्य किया था। इसके अलावा चोल राजवंश द्वारा भी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया गया और इसे चोल सागर के नाम से भी जाना जाता है बंगाल की खाड़ी को। दोस्तों, यदि मेरा ये चैनल आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा बनाया वीडियो पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों।